अस्सलाम वालेकुम। मेरी आज की वीडियो एक अरबिक लेटर काफ की कैलीग्राफी वीडियो ट्यूटोरियल है। इस पेंटिंग को बनाने का मकसद बहुत अहम है और इस पेंटिंग में अरबी हर्फ काफ की बहुत गहरी तफसील है, जिसकी वजाहत हमें मौलाना रोम और हज़रत शाह शम्स तबरेज़ के दरमियान होने वाली बाकायदा मुलाकात में की जाने वाली गुफ्तगू के दरमियान मिलती है। हज़रत शाह शम्स तबरेज़ और मौलाना रोम रहमतुल्लाह अलैह के दरमियान बाकायदा मुलाकात में हज़रत शाह शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह ने मौलाना रोम रहमतुल्लाह अलैह से दरियाफ्त किया कि आप रहमतुल्लाह अलैह कुरान पाक का इल्म रखते हैं और इल्म वही से आप रहमतुल्लाह अलैह को बहुत आगाही हासिल है। क्या आप रहमतुल्लाह अलैह मुझे बता सकते हैं कि कुरान मजीद का हर्फ अव्वलीन कौन सा है? मौलाना रोम रहमतुल्लाह अलैह ने जब हज़रत शाह शम्स तबरेज़ की बात सुनी तो हैरान हो गए और कहने लगे कि वो तो अलिफ ही होगा या फिर काफ ही पहला हर्फ है। फिर खतरे तवक्कुफ़ के बाद कहने लगे कि अल्लाह और इसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही बेहतर जाने। हज़रत शाह शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह ने जवाबन फरमाया कि आप रहमतुल्लाह अलैह आलिम दीन हैं और आप रहमतुल्लाह अलैह ने बेशुमार कुतुब भी कुरानी उलूम पर तहरीर फरमाई हैं, लेकिन आप रहमतुल्लाह अलैह कुरान मजीद के हर्फ अव्वलीन से ही आगा नहीं हैं। हज़रत शाह शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह ने दरियाफ्त किया कि मौलाना साहब, आप रहमतुल्लाह अलैह अपने इल्म से अंदाज़ा लगाकर बताइए कि कुरान मजीद का हर्फ अव्वल कौन सा हो सकता है। मौलाना रोम रहमतुल्लाह अलैह ने अर्ज़ किया कि मेरे नज़दीक अरबी हर्फ अलिफ ही कुरान मजीद का पहला हर्फ है। हज़रत शाह शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि अरबी हर्फ अलिफ की ग्रामर में कम व बेश 18 अकसाम बयान हुई हैं, आप रहमतुल्लाह अलैह की मुराद किस अलिफ से है? मौलाना रोम रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब देने की बजाय पूछा कि हज़रत, अगर अलिफ कुरान मजीद का पहला हर्फ नहीं तो आप रहमतुल्लाह अलैह मुझे पहले हर्फ से आगा फरमाइए। हज़रत शाह शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि इसमें शक नहीं कि कुरान मजीद का पहला हर्फ अलिफ नहीं है। हज़रत शाह शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि कुरान मजीद के अल्फाज पर गौर किया करो। मौलाना रोम रहमतुल्लाह अलैह ने अर्ज़ किया कि मेरे इल्म के मुताबिक कुरान मजीद के कुल हर्फ की तादाद 330,760 है और कलमात की तादाद 86,430 है, जबकि आयात की तादाद 6,666 है। चनाचे 330,760 हर्फ में से ये कहना कि हर्फ अव्वल कौन सा है बहुत ही मुश्किल है। अरबी लुगत में हर लफ्ज़ के शुरू में अल लगा दिया जाता है, तो इस लिहाज से मेरे नज़दीक पहला हर्फ अलिफ ही हुआ। हज़रत शाह शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह ने मौलाना रोम रहमतुल्लाह अलैह की बात सुनने के बाद फरमाया कि अरबियों में अल का रिवाज कदीम ज़माने से चला आ रहा है और वो हर लफ्ज़ के शुरू में अल का इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर वो कुरान हकीम को अल कुरानुल हकीम कहते हैं। अल एक इजाफ़ा है जो इजाफ़ा तौसीफ़ी कहलाता है। मौलाना रोम रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत शाह शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह की बात सुनने के बाद अर्ज़ किया कि हज़रत, फिर कुरान मजीद का हर्फ़ अव्वल कौन सा है? हज़रत शाह शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि हम तो बहुत बात के हैं, जबकि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने दरबारियों से कहा, जिनमें जिन और इंस हर मखलूक शामिल थी, कि मुल्क सबा से तख्ते बिल्किस को कौन जल्दी ला सकता है? तो एक जिन ने कहा कि मुल्क सबा का फासला करीबन 1,000 मील का है, इसलिए वो इसे एक माह में उठाकर ला सकता है। दूसरे जिन ने कहा कि मैं ताकत में इससे ज़्यादा हूँ, मैं वो तख्त एक दिन में उठाकर ला सकता हूँ। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इनकी बातें सुनी और कहा कि मैं वो तख्त बहुत जल्द अपने पास अपने सामने चाहता हूँ। इस दौरान एक साहिब इल्म शख्स ने कहा कि हुजूर, मैं पलक झपकने में तख्ते बिल्किस आप अलैहिस्सलाम की खिदमत में पेश कर सकता हूँ। आप अलैहिस्सलाम अपना रुख दूसरी जानिब करके वापस हों, तख्ते बिल्किस आप अलैहिस्सलाम के सामने मौजूद होगा।
चनाचे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपना रुख फेरा तो इस साहिब इल्म ने इसमे आज़म पढ़ा। फरिश्तों ने तख्ते बिल्किस ज़मीन से निकाल कर सामने रख दिया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपना रुख मोड़ा तो तख्ते बिल्किस सामने मौजूद था। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह अज़्ज़ा जल ने कुरान मजीद में साहिब खल्क़े आज़म के लकब से नवाजा, यानी हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक दुनिया के तमाम इंसानों के अखलाक से अफजल है। अल्लाह अज़्ज़ा जल ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोशन किताब अता फरमाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान मजीद के की सूरत में इसमें आज़म अता फरमाया गया। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के उल्मा सालिहा साल से कुरान मजीद के बारे में तहकीक करते आए हैं, लेकिन ये उल्मा कुरान मजीद की मालूमात के बारे में इंसाइक्लोपीडिया तो बना बैठे मगर कुरान मजीद के हुर्फ अव्वल से आगाह ना हो सके। इन लोगों ने इसमें आज़म को नहायत आसान समझ लिया था, इसलिए नज़रअंदाज कर गए, यहाँ तक कि वो ना खुद कुरान मजीद के हुर्फ अव्वल से आगाह हो सके ना ही उम्मत मुस्लिमा को इससे आगाह कर सके। ये बात सब जानते हैं कि सूरह अलक की पहली 5 आयात हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली वही की सूरत में नाजिल हुई और ये आयात ग़ारे हिरा में नाजिल हुई। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही लेकर आए और फरमाया, पढ़ें अपने रब के नाम से जिसने इंसान को गोश्त के एक लोथड़े से पैदा फरमाया। अब इस जगह ये सवाल पैदा होता है कि एक फरिश्ते की बात को हम फुकियत दें या अल्लाह अज़्ज़ो जल की बात को तरजीह दें। अगर हम फरिश्ते की बात को दुरुस्त तस्लीम करें तो कुरान मजीद से कबल तौरात, ज़बूर और इंजील नाजिल हो चुकी थी, जिनको कुरान मजीद भी अल्लाह का कलाम तस्लीम करता है। और फिर इस हकीकत को तस्लीम करने के बाद कुरान मजीद उम्मुल किताब नहीं बल्कि बिनते किताब कहलाती, यानी बाद में नाजिल होने वाली किताबों की बेटी। अगर इसमें हकीकत होती तो मुशरिकीन इस बात पर एतराज़ कर सकते थे। अगर हम अल्लाह अज़्ज़ोजल के कौल कुन फ़याकुन को अवलियत दें तो ये अल्फाज अल्लाह अज़्ज़ोजल ने कायनात की तख्लीक से पहले अदा फरमाए थे। इन अल्फाज से अल्लाह अज़्ज़ोजल की कायनात की तख्लीक से पहले मौजूद की साबित है और अल्लाह अज़्ज़ोजल ने इन अल्फाज की अदायगी के साथ कायनात को तख्लीक किया, फिर फरिश्ते जिन और इंसान तख्लीक किए गए, फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और दीगर अम्बिया इकराम अलैहिस्सलाम पर सहाइफ व आसमानी किताबें नाजिल की गईं और आखिर में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान मजीद को नाजिल किया। और कुरान मजीद तमाम कुतुब से अफजल है, इसलिए इसे उम्मुल कुतुब कहा गया। अल्लाह अज़्ज़ोजल का फरमान कुन फ़याकुन सूरह नहल की आयात नंबर 40-40 में मौजूद है। जब हम अल्लाह किसी चीज़ का इरादा कर लेते हैं तो हम इस चीज़ को कह देते हैं कि हो जा और वो हो जाती है। अल्लाह अज़्ज़ोजल के फरमान को समझने के लिए कुरान मजीद की हर आयत हर हरूफ पर गौर करने की ज़रूरत है। बस गौर व फिक्र इस तरह करो जिस तरह करने का हक है और इसी शे को दुरुस्त तस्लीम करो जिसकी तस्दीक तुम्हारा दिल करे और दिलो दिमाग की गवाही को दुरुस्त जानो, क्योंकि कुरान मजीद में गौर व फिक्र करने का हुक्म दिया गया है। दिलो दिमाग गवाही देते हैं कि अल्लाह अज़्ज़ोजल ने अव्वल कायनात और अपने नूर को तख्लीक करने का इरादा किया और इसकी गवाही हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान से भी होती है कि सबसे पहले अल्लाह अज़्ज़ोजल ने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर तख्लीक किया और फिर कुन फ़याकुन फरमाकर तमाम कायनात पैदा फरमाई। नेस हज़रत शाह शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि काफ इसी नस्बत से कुरान मजीद का हुर्फ अव्वल है और कायनात की तख्लीक इसी हुर्फ से साबित है।
खुद कायनात का हुर्फ अव्वल काफ है। अल्लाह जोजल ने कुन फयाकुन फरमाया और 6 दिन में ये सारी कायनात पैदा फरमाई। बस तमाम हरूफ पर काफ को फोकियत हासिल है और यही कुरान मजीद का हुर्फ अव्वल माना जाएगा। लफ्ज़ काफ कुरान मजीद में 9500 मरतबा आया है। बस इससे ये बात साबित होती है कि अल्लाह जोजल ने कुन कहकर इसे हुर्फ आज़म बना दिया और इसी के सबब कायनात की तख्लीक फरमाई।